नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और वक्त हो चला है आज की 100 बड़ी खबरों का, तो चलिए नजर डालते हैं। देश में बढ़ते कोरोना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी वैक्सीन निर्माताओं के साथ वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर चर्चा करेंगे। देश में कोरोना रिटर्न की बेकाबू रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 2,59,170 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1,619 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 23,686 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 240 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये लॉकडाउन अगले सोमवार यानी कि 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली में लगातार कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज हो रहे थे, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस दौरान केवल जरूरी क्षेत्र को छूट मिलेगी। इस ऐलान के बाद आनंद विहार कौशाम्बी बस अड्डे से यूपी और बिहार के दूर दराज शहरों के प्रवासी लोग पलायन करने लगे हैं। यहां एक बार फिर से 2020 जैसी भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां से मजदूर लगातार अपने घरों की ओर जा रहे हैं और बसों का इंतजार कर रहे हैं। इसके चलते आनंद विहार और कौशाम्बी बस अड्डे पर भीड़ बढ़ती जा रही है। मुसाफिरों का कहना है कि हालात और ज्यादा खराब हुए तो लॉकडाउन की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो अपने पैतृक स्थान पर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार मजदूरों का पलायन हो रहा है। मुंबई, नासिक, नागपुर, पुणे, ठाणे समेत कई इलाकों से पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रेनों से भरकर मजदूरों की वापसी हो रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 58,924 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 351 मरीजों की मौत हो गई है। अकेले मुंबई में कोरोना से 7,381 केस, जबकि 57 मरीजों ने दम तोड़ दिया। राजधानी में लॉकडाउन के बाद दिल्ली मेट्रो में बदलाव हुआ है। दिल्ली में लॉकडाउन को देखते हुए मेट्रो सेवाओं में 50% क्षमता के साथ 30 मिनट के अंतराल पर मेट्रो चलाई जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने कश्मीरी गेट, राजीव चौक, राजौरी गार्डन और पटेल नगर समेत 9 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री बंद कर दी है। इन सभी जगहों पर यात्रियों को केवल स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति होगी। राजधानी दिल्ली के सभी स्कूलों में समय से पहले ही समर वेकेशन की घोषणा हो गई है, जिसके तहत आज से 9 जून तक दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे। कोरोना की चपेट में नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी आ गए हैं। दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यूपी में बीते 24 घंटों में कोरोना के 28,288 नए केस सामने आए हैं, जबकि 167 लोगों की मौत हुई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक दिन में 827 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस बीच नोएडा में नाइट कर्फ्यू की मियाद को अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक लागू किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है, लेकिन योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। योगी सरकार का कहना है कि जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है, ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जो आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। योगी सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉकडाउन लगाने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। प्रदेश सरकार का कहना है कि लॉकडाउन प्रशासनिक मसला है। कोरोना की चपेट में यूपी के एक और कैबिनेट मंत्री आ गए हैं। अब यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्वामी प्रसाद के परिवार के और भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी में दर्जा प्राप्त मंत्री हनुमान प्रसाद मिश्र का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया है। हनुमान प्रसाद कैंसर से भी पीड़ित थे। आज पंजाब सरकार भी प्रदेश के लिए नई पाबंदियों की घोषणा कर सकती है। बढ़ते लॉकडाउन कोरोना के मामले के चलते लॉकडाउन पर भी फैसला हो सकता है। हरियाणा में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है, यहां लॉकडाउन लगाने जैसी कोई हालात नहीं है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। इंदौर के डीएम मनीष सिंह ने लोगों से शादियों को स्थगित करने और 30 अप्रैल तक घर पर रहने का आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि अस्पताल की क्षमता पूरी हो गई है। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। पीएम मोदी ने बैठक के बाद यह अहम फैसला लिया। भारत सरकार के मुताबिक यह वैक्सीनेशन अभियान का तीसरा चरण होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वैक्सीन की डोज रिकॉर्ड स्तर पर दी जा रही है, हम वैक्सीनेशन की गति और बढ़ाएंगे। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच दिल्ली सरकार ने 12 अस्पतालों में 2-2 सदस्यीय ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। ये सभी हर दिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और सिलेंडर ऑक्सीजन के स्टॉक का डेटा तैयार करेंगे। इनकी जिम्मेदारी होगी कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोविड प्रोटोकॉल और संतुलन तरीके से हो रहा है या नहीं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 1516 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान कोरोना से 6 मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल जम्मू कश्मीर में 12164 एक्टिव केस हैं। कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए आईसीएसई ने कक्षा 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षाएं पिछले आदेश के हिसाब से ही होंगी, वहीं 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। बोर्ड ने कहा था कि स्थिति की समीक्षा के बाद 12वीं की परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक जून में परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हरियाणा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। कई राज्यों ने बिना परीक्षा के ही छात्रों को प्रमोट करने की घोषणा कर दी है। हरियाणा में 20 कॉलेज और विश्वविद्यालय 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। साथ ही राज्य में कक्षा 1 से 9वीं तक के छात्रों के लिए 30 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने की घोषणा की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी स्कूल 15 मई तक बंद रहेंगे। ओडिशा ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए फिजिकल कक्षाओं को 19 अप्रैल से अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों को ऑनलाइन क्लास आयोजित करने के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि सेमेस्टर परीक्षा भी वर्चुअल मोड पर आयोजित की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी है कि बिहार में स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। इस अवधि के दौरान राज्य द्वारा संचालित स्कूल और विश्वविद्यालय कोई परीक्षा आयोजित नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली मारा गया। मारे गए नक्सली की पहचान कोसा मूचे के तौर पर हुई है। बिहार के पंडौल में कोरोना को देखते हुए नगर युवा संगठन द्वारा रक्तदान शिविर समारोह का आयोजन किया गया। बिहार के सुपौल में तमकुलहा सुरसन नदी पुल के पास एक अज्ञात शव मिला है। शव को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शर्तों के माध्यम से लालू यादव को जमानत दे दी है। फरीदाबाद में कोरोना के मरीज की मौत होने के बाद निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। हरियाणा के बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से तंग आकर अभिभावकों ने स्कूल को जाम कर दिया है। हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनगढ़ ने अपने परिवार सहित कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। हरियाणा के पानीपत समालखा थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 युवकों ने एक युवक को ट्यूबवेल पर रस्सी से बंधक बनाकर कुकर्म किया। हरियाणा के पानीपत के ओपीडी में एक मंचले को महिला के साथ बदतमीजी करना भारी पड़ गया। महिला ने मंचले की जमकर पिटाई की। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से मुलाकात कर बोले, कोई भी काम हो, कैसी भी जरूरत हो, मैं एक फोन पर उपलब्ध हूं। संगरूर के एक गांव में दलित परिवार को अपने से ऊंचे परिवार में शादी करवाना महंगा पड़ गया। शादी के बाद महिला के साथ जिस्मानी शोषण होता रहा।
कर्नाटक के ननिहाल गांव में एक महिला का शव मिला है। मृत महिला के चेहरे पर दुष्कर्मियों ने तेज धार हथियार से मारकर फेंक दिया है। कर्नाटक के यादगिरी जिलाधिकारी डॉक्टर राघप्रिया ने जिले के कोविड चेक पोस्ट पर दौरा किया और जायजा लिया। कर्नाटक के कोकलमल्ली गांव में मेलों का आयोजन किया जा रहा है, जहां कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए हजारों लोग एकत्रित हुए। कर्नाटक के बीजापुर जिले के एसपी अनुपम अग्रवाल और एसएसपी डॉक्टर राम अरिसिद्धि के मार्गदर्शन में सुपारी किलर और चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्नाटक के तुमकुर जिले में लोग कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए मेले और त्योहारों पर ध्यान दे रहे हैं। पंजाब के संगरूर में मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिला संगरूर के डीसी दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन किया। पंजाब की मंडियों में गेहूं की खरीद प्रबंधों का जायजा लेने के लिए अकाली दल नेता बाबू प्रकाश चंद गर्ग मंडियों में पहुंचे। राजस्थान के लाखेरी में कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना होने पर 6 दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया गया। राजस्थान प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे प्रदेश में 15 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। राजस्थान के टोडीखोरा गांव की पहाड़ियों में किसी अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। अभी तक आग पर कोई काबू नहीं पाया गया है। बिहार के पंडौल में नगर युवा संगठन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान ब्लड बैंक के सूबेदार मुकेश सिंह, डॉक्टर उत्तम पांडे उपस्थित रहे। बिहार के सुपौल में सुरसन नदी के पास एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 4 अनंतजरपी बदमाशों को 42 लाख की नेपाली चरस के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस और बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के कौशाम्बी में प्रधानी चुनाव को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 20 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। कर्नाटक के सोपनहल्ली नेशनल हाईवे रोड पर पुराने पेड़ों को काटे जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। राजस्थान के बूंदी में चलते ट्रेलर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कर्नाटक के बीदर में नोडल अधिकारी सोहेल ने बताया, शहर में रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। शहर में बेड का इंतजाम किया जा रहा है। बिहार के सिवान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अलग अलग जगहों से लाखों की शराब जब्त करके अपराधियों पर कार्रवाई की। हरियाणा के परिवहन और खनन विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने स्थानीय सेक्टर 2 में पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। आज सेंसेक्स 523.6 अंक और निफ्टी 167.2 पॉइंट पर खुला, यानी मंगलवार को हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त के साथ खुलने में कामयाब रहे। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.4 रुपए प्रति लीटर और डीजल 80.7 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। पिज्जा आउटलेट डोमिनोज के 18 करोड़ ग्राहकों को और 10 लाख लोगों की क्रेडिट कार्ड डिटेल ऑनलाइन लीक हो गए हैं। हैकर्स का दावा है कि यह जानकारी उन्हें 18 करोड़ ऑर्डर डिटेल्स की मदद से मिली है, जिसमें ग्राहकों के फोन नंबर्स, ईमेल आईडी और पेमेंट डिटेल्स जैसी जानकारी शामिल है। AUM के लिहाज से सबसे बड़ा फंड हाउस SBI म्यूचुअल फंड फायदे के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है, जबकि टॉप 5 फंड हाउस करीबन 3600 करोड़ रुपए का सालाना फायदा कमा रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते नए मामलों और प्रमुख राज्यों में लॉकडाउन से इकोनॉमिक एक्टिविटी बाधित हो रही है। ऐसे में फ्यूल डिमांड में रिकवरी धीमी पड़ सकती है। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में सीमित समय के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे ट्रैवल और बिजनेस एक्टिविटी पर असर पड़ा है। HDFC बैंक के कर्मचारियों की सैलरी में इस साल भी इजाफा होगा। उनकी सैलरी या बोनस या किसी भी तरह से मिलने वाली इनकम में कोई कटौती नहीं होगी।
इस तरह की जानकारी बैंक के एमडीएस जगदीशन ने कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में दी है। बैंक के पास करीबन 1,00,000 कर्मचारी हैं। दिल्ली में 600 करोड़ रुपए रोजाना के कारोबार के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए कैट ने जरूरी सामान की आपूर्ति बनाए रखने में सहयोग का भरोसा दिया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 6.5 लाख कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान 9,813 लोगों की मौत भी हुई है। फिलहाल 1.8 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,08,184 मरीजों की हालत क्रिटिकल है और 1.83 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ब्रिटेन, अमेरिका के साथ पाकिस्तान ने भी भारत से आने वाले यात्रियों के अपने देश में आने पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन सरकार ने भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। शुक्रवार से अगले आदेश तक ऐसे लोगों को ब्रिटेन आने की मंजूरी नहीं मिलेगी जो 10 दिन से भारत में थे। अमेरिका में आधे वयस्क को कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है। CDC के आंकड़ों के अनुसार देश में 18 साल से ऊपर के 13 करोड़ लोगों को एक टीका लग चुका है, जो वयस्क आबादी का 50% है। ब्रिटेन के लॉ कमीशन ने सेल्फ ड्राइविंग कारों में इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी को लेकर चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि सेल्फ ड्राइविंग कारें अशक्तत्वों को पहचानने में पूरी तरह से सक्षम है। ब्रिटेन में पुरुषों के बीच मस्कुलर बॉडी वाला सूट खासा लोकप्रिय हो रहा है। सिलिकॉन से बने इस सूट को पहनकर शरीर में किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जैसा रूप दिया जा सकता है। नासा के 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर पहली उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। छोटे आकार का यह हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान 10 फीट की ऊंचाई पाने में सफल रहा है। इसे लेकर नासा साइंस मिशन डायरेक्टोरेट ने एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस जर बुकेन ने पूरी टीम को बधाई दी, साथ ही कहा ऐसे मौके पहले कभी नहीं आए। 3 महीने में दूसरी बार ब्रिटिश पीएम का भारत दौरा रद्द हुआ। पिछली बार 26 जनवरी पर भी कोरोना वायरस के कारण ही यह रद्द किया गया था। बॉलीवुड भी देश के बाकी हिस्सों की तरह कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। इसी बीच अब स्वरा भास्कर की मां इरा भास्कर और कुक भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। टार्जन वाले एक्टर वत्सल सेठ ने भी अपने कोरोना संक्रमित होने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है। वो होम आइसोलेशन में है। सुगंधा मिश्रा 26 अप्रैल को डॉक्टर संकेत भोसले से शादी करेंगी। बोली हमेशा से शादी के 10 किलो का लहंगा पहनना चाहती थी। विद्युत जामवाल ने अब्बास सैयद के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, जिसका नाम एक्शन हीरो फिल्म्स रखा गया है। अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र की शूटिंग एक बार फिर डिले हो गई है और इस बार फिल्म के लिए विलेन महाराष्ट्र में लगा लॉकडाउन बना है। आईपीएल 2021 सीजन के 12वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 45 रन से हरा दिया है। मैच में सीएसके के 188 रन के जवाब में राजस्थान रॉयल की टीम 143 रन ही बना सकी। चेन्नई के स्पिनर रविंद्र जडेजा और मोइन अली ने वानखड़े की पिच पर कहर बरपाते हुए 5 विकेट झटके। जडेजा ने इसके अलावा 4 कैच भी लपके। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज चेन्नई के स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले सीजन में दोनों टीम के बीच 4 मैच खेले गए थे। दुनिया में मशहूर यूरोप के 12 सबसे बड़े फुटबॉल क्लबों ने रविवार को नई यूरोपियन सुपर लीग बना ली है। इसमें मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड जैसे क्लब शामिल हो गए हैं। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एशियन चैंपियन विंका और अल्फिया पठान सहित 4 बॉक्सरों ने सेमीफाइनल में प्रवेश मेडल पक्का कर लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।